Champions even. We have to talk about Sinitsina as this remarkably Champions even. Performed जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। कल यानी 6 फरवरी 2022 को अचानक से एक ऐसा जमाना गुजर गया कि अब चाहे आने वाले वक्त में कई जमाने गुजर जाएं, शायद ही इतना शानदार इतना यादगार साबित हो। तकरीबन 8 दहाइयों में कम से कम 30,000 से जायद 36 अलग अलग जबानों में नगमे गाने वाली सुरों की मलिका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाने वाली लता मंगेशकर जी कल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई 92 साल की उम्र में। 8 जनवरी को जो ही वो कोविड पॉजिटिव आई तो ही उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। वहां कोविड के साथ साथ उन्हें निमोनिया भी डायग्नोज हुआ और उसके बाद उनका इलाज मुआलजा शुरू हुआ। लेकिन यही 2-3 दिन कबल डॉक्टर्स ने उनकी सूरत हाल तशवीशनाक बताई और इस तरह से जलालत के बाद वो हम सबको अलविदा कह गई। ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसी कोई शख्सियत नहीं, चाहे जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हों, चाहे पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हों, स्पोर्ट्स से, साइंस से, एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखते हों, जिन्होंने उनकी वफात पे रंज और दुख का इजहार न किया हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भावुक होकर ट्वीट में अपने रंज का इजहार इस तरह से किया, आई एम एंग्विश्ड बियॉन्ड वर्ड्स। The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerize people. Wahi mulk ke President Ramnath Kovind ne unki wafat ko dil dehlane wali khabar kehkar ye tweet kiya. भारत रत्न लता जीज एकम्प्लिशमेंट्स विल रिमेन इनकम्पेरेबल।
ये आवाज फकत हमने नहीं खोई, बल्कि दुनिया में ये आवाज जहां जहां गूंजती रही वो सब उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, हर एक ने इस गम में शमूलियत की और ऐसी अजीम गुलोकारा को एक बहुत बड़ा लॉस करार दिया। वहीं 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी हेमा मंगेशकर उर्फ लता जी, बचपन से ही उन्हें गाने की और रगबत थी, वो सिंगिंग फील्ड में आना चाहती थी और उसके साथ साथ उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर उनके म्यूजिकल प्लेज में वो एक्टिंग भी किया करती थी। लेकिन बदकिस्मती से 13 साल की उम्र को जब वो पहुंची तो उनके सर से बाप का साया उठ गया। घर में सबसे बड़ी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर ही आई, तो एक तरफ से उनको घर की जिम्मेदारी भी देखनी थी, साथ साथ अपना शौक भी पूरा करना था। तो इस तरह से उन्हें 1942 में मराठी फिल्म में सबसे पहला मराठी सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिला और उसके बाद हिंदी फिल्म में, जिसका नाम मजबूर है, मजबूर फिल्म में उन्हें सबसे पहले हिंदी सॉन्ग गाने का मौका मिला 1948 में। लेकिन जिस गाने ने उन्हें मकबूलियत दी वो फिल्म है महल और गाना है, गाना हम सबको याद है, आएगा आने वाला आएगा, हम सब गुनगुनाते रहते हैं। और उसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कई सारे एजाजात उन्होंने अपने नाम किए, मधुबाला क्या प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा तक, उनकी आवाज एक ही, वो है लता मंगेशकर। दूरदर्शन की पूरी टीम, गुड मॉर्निंग जेएनके की पूरी टीम, ऐसी अजीम गुलोकारा यकीनन इस रंज में बराबर बराबर शरीक है और साथ ही ये दुआ भी करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। खैर, आगे मजीद बातें करते रहेंगे, प्रोग्राम में एक सेगमेंट भी छोटा सा चलाएंगे उनकी याद में, लेकिन आपको ये बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेएनके और आज है फरवरी की 7 तारीख और पीर का दिन। प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी हमें हासिल रहेगा, मैं रहूंगी आपकी मेज़बान इकरा आखून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से मारूफा जी। मारूफा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल ही सुबह मॉर्निंग में जब इस तरह की खबर हम सब ने सुनी, यकीनन दिल दहलाने वाली खबर ये हम सब के लिए थी, क्योंकि अगर एक सिंगर की वफात हुई होती तो शायद इतना दुख, इतना रंज ना होता, लेकिन एक पूरा एरा चला गया इसके साथ साथ। जी, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। इकरा, जैसे कि आपने बताया कि लता जी ने 30,000 से जायद गाने गा चुकी हैं वो, और 1974 से 1991 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर शामिल रही है, और खुद ये एक बड़ा एजाज है कि 17 साल अपनी जगह वहां पर कायम रखना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके मुताबिक, बुक के मुताबिक, वो दुनिया की पहली गुलोकारा थी जिन्होंने इतने सारे गाने रिकॉर्ड करवाए थे, और लता जी को बेशुमार अवार्डों से नवाजा गया था। लेकिन खुद उनका कहना था कि उनके लिए जो सबसे बड़ा एजाज है वो लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, जिससे और सारे लोग जो हैं उन्होंने उनका दिल जीत लिया। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि उनके पास भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, जो उन्हें 2001 में मिला था, और उसके अलावा भी और बहुत सारे एजाजात इनामात उन्हें मिले थे, जिनमें पद्म भूषण अवार्ड 1969 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में, पद्म विभूषण अवार्ड 1999 में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1997 में, और वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो उन्हें 2008 में मिला था। उसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर इन्हें मिला था, जिनमें 1972 में परिचय फिल्म से बीते न बिताए रैना जो कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने और जिसके बोल लिखे थे गुलजार साहब ने, 1974 में कोरा काकज रूठे रूठे पिया गाना था उस पर उन्हें मिला था, और उसकी जो कंपोज किया था वो कल्याण जी आनंद जी ने किया था। उसके अलावा 1990 में लेकिन फिल्म से उनका गाना यारा सिली सिली,
और इसके अलावा जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं 1959 में आचार्य परदेसी मधुमती फिल्म से, 1963 में कहीं दीप चले कहीं दिल 20 साल बाद फिल्म से, 1966 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा फिल्म खानदान से, 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह फिल्म से, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें हासिल हुआ, 1994 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड हम आपके है कौन फिल्म के मशहूर गाने दीदी तेरा देवर दीवाना से। उसके अलावा भी कई सारे एजाजात से इन्हें से नवाजा गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स के लिए ये 14 बार नॉमिनेशंस में आई और 14 बार इन्होंने ये जीत लिया। आईफा अवार्ड्स के लिए 2 बार मुंतखब हुई और 2 बार इन्होंने ये जीत लिया। और भी कई सारे अवार्ड्स हैं। और 1974 में ये पहली हिंदुस्तानी थी जिन्हें रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म करने का मौका मिला। उसके अलावा भी कुछ और बातें हम इनके बारे में करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके अपने प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। गटि मजन यी जुन गाश ऐसी रूजिन पगहच आश ऐसी रिश्तन बरहव गोड इस पखन कढ़ वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया एमआर का क्वालिटी। चव चारवच सान बेहतर लसन बसन बापत थज अहमियत थवान मगर दुह दिश जिंदगी मज यमन मुख्तलिफ खतरात तो नुकसानात हकान दरपेश बाजी कीमती जानवर अज जान ते गथान यितवी नुकसानम निश बचन तो कुमई बायन तहफुज दिन बापत भारत सरकार लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम अम सि मुमकिन नुकसान की सूरतस मज बचन पाए सरकार च अत स्कीम तहत इंश्योरन किस्त यानी प्रीमियम भरनस मज 50 पे 70 फीसद सब्सिडी ते दिवान। गाव हस गई बेमार पत करे अस इलाज विलाज वरिया तो मगर गाव न हस गई नी ठीक पत की लास्ट स्टेज पे माई पत गाव पत कर इंश्योरेंस क्लेम पक पत त्रेस तमो तम पोस तौर तो अस कोर वो नव इंश्योरेंस गोवन लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम मुतलिक तफसीलात जानन बापत करिव लाइफ स्टॉक बोर्ड कश्मीर सित अज रबत। वेलकम बैक नाजरी तुझे पूछा पन पसंदीद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। यकीनन तो है इंतजार से आज मौसम ट्रैफिक के हवाले क्या अपडेट च बिल्कुल आप तक वो पहुंचाएंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज मतला जो है ओवर आलूद रहेगा, हल्की हल्की बारिश होने के भी इम्कान हैं। दर्ज हरारत की बात की जाए तो आज श्रीनगर का दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। जम्मू की दर्ज हरारत की बात करें तो जम्मू का आज दिन का ज्यादा ज्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। ट्रैफिक की बात करें तो आज छोटी गाड़ियों को 8 बजे से 1 बजे तक दोनों अतराफ चलने की इजाजत होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों को 4 बजे से श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने की इजाजत होगी। ताहम आपसे यही गुजारिश कि अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अपना राबिता जरूर कायम करें और के लिए जो नंबर आपको दरकार है वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मारूफा। एक तो प्रोग्राम के आगाज में लता जी के हवाले से आपने इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम सबको दी, हमारे नाजरिन को दी, और साथ ही मौसम और ट्रैफिक के हवाले से भी जरूरी मालूम हमारे नाजरिन तक भी पहुँचाई। और नाजरिन मोहतरम गुड मॉर्निंग जैन के ऐसी अजीम गुलोकारा को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी याद में एक खूबसूरत सा सॉन्ग उन्हीं की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ है प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं। Thank you.
दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के जिंदगी से कोई वेलकम बैक। एक सॉन्ग नहीं बल्कि सॉन्ग्स की कलेक्शन हमने आप तक पहुंचा दी लता जी की आवाज में। और एक एक सॉन्ग जो चल रहा था हम सब वो गुनगुना रहे थे क्योंकि ये सब हमें जबानी याद हैं। उनके बारे में शायद ही आपको ये मालूम हो कि उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 1963 में जब उन्हें एक तकरीब पे गाने का मौका मिला तो उस तकरीब पे कई सारी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। तो दिलीप साहब की फरमाइश पे उन्होंने एक भजन गाया अल्लाह तेरो नाम। उसके बाद उन्होंने वो गीत गाया जो हम सब जानते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में बरतो पानी। तो उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या रिएक्शन रहेगा पब्लिक में। उन्होंने जब गाया तो वो बैक स्टेज चली गई तो उनको बुलाने महबूब खान साहब गए और उनको बोला कि लता जी जरा आप बाहर आए, पंडित जी आपको ढूंढ रहे हैं। लता जी दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो वहां देखा पंडित जी की आंखें जो हैं नम हैं। और पंडित जी ने उनको कहा कि बहुत ही अच्छा गाया, ऐसा गाया कि हम सब की आंखें नम हुई। ऐसी थी लता दीदी। उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए हमने आप तक उन्हीं के गाए हुए सॉन्ग्स कलेक्शन पहुंचाई, चाहे कटी पतंग हो, जैसा कि हमने कहा हेमा जी क्या, मधुबाला क्या, प्रीति जिंटा, माधुरी तक, उनकी एक ही आवाज थी, वो लता जी की खूबसूरत और खुशलहन आवाज रही। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज में प्रोग्राम में हम मजीद इस ताल्लुक से बात करेंगे, उनकी खूबसूरत शख्सियत पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है हम आपकी मुलाकात कराएं हमारे आज के मेहमान से। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक बेहतरीन तख्लीकार है, खूबसूरत अफसाने लिखते हैं, बड़े अच्छे नकाद भी हैं और अपनी तख्लीकी व तनकीदी सलाहियत की बदौलत न सिर्फ कश्मीर में बल्कि आलमी सतह पर उनकी अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त है, वो अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। इकबालियात की और जो उनका रुझान है और जिस तरह से उन्होंने इस ताल्लुक से रिसर्च की, एक पहली तनकीदी किताब इस ताल्लुक से उनकी सामने आई जहाने इकबाल के नाम से, और अभी तक उनकी 5 किताबें भी शाया हुई है जिसमें बहुत खूबसूरत अफसाने भी शामिल हैं और कई मकाले उर्दू के मयारी रसाइल में भी अभी तक छप चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया आपका भी कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। बड़ी दूर से आप आए हैं और वो तो आप ही हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, लेकिन आप नकाद कब बने, कैसे बने, आप अफसाने निगार कब बने, कैसे बने, इस ताल्लुक से तो हम प्रोग्राम में जरूर जानेंगे।
وہ تو وقت کی بالخصوص دین ہی رہتی ہے, لیکن وقت کی ان سوئیوں کو ذرا الٹ دیتے ہیں, بچپن کی اور جاتے ہیں. بتائیے گا کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور تعلیم کہاں حاصل کی اور ساتھ ہی بچپن کیسا گزرا؟ بہت شکریہ. پہلے شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. ہماری خوشبختی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت میں ریسرچ کر رہا تھا. اچھا. جب یہ پروگرام شروع ہوا گڈ مارننگ جے اینڈ کے, تو شاید زاہد صاحب, زاہد مختار صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہوتے تھے, تو ہمارے استاد جو رہ چکے. جی. تو پہلے پہل تو لوگوں نے جب دیکھا کہ نیا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے تو اب چلے گا چند دنوں تک, پھر تو پروگرام بدلتے رہتے ہیں, لیکن اتنا کامیاب رہا, اتنا کامیاب رہا کہ آپ ایسا سمجھے کہ یہ آج کشمیر کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے. بہت بہت شکریہ. کہ صبح سویرے جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں پھر اس پروگرام کا انتظار رہتا ہے. جی. کیونکہ اب مختلف قسم کے اس میں پروگرامز ہوتے ہیں, شخصیات کو آپ بلاتے ہیں. جی. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ثقافت ہمارے سامنے ہے, فن ہے. جیسے اداکاروں کو آپ لاتے ہیں, آرٹسٹوں کو, یا اس طرح سے ادبا و شعرا کو. جی. گریٹ پرسن کیز, یعنی جنہوں نے اس فیلڈ, کسی بھی فیلڈ میں اپنا مقام بنایا ہے. کس طرح سے بنایا ہے وہ ہمارے لیے لیسن رہتا ہے نا. تو آپ بھی ان لوگوں کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پروگرام جو ہے میرے خیال سے ہماری سماعت کا, ہماری ثقافت کا ایک حصہ بن چکا ہے نا. یہ تو سب سے بڑی کامیابی اس پروگرام کی ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا آج, تو میں بھی آج خوش ہوں کہ اس اچھے پروگرام میں آپ نے بلایا. تو اس کے بعد دوسرا جو آپ نے لتا جی کے حوالے سے جو, تو ہم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں لتا جی کو. عظیم گلوکارہ تھی, کتنی عظیم تھی. مجھے ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے ان کا, ان سے جب پوچھا گیا ایک دن کہ یہ جو ہے نور جہاں ملک ترانم, تو ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ سب سے بڑی اس وقت کون ہے اس آواز کی دنیا میں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں ان سے سیکھتی ہوں. جب نور جہاں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ مجھ سے عظیم ہے. اب دیکھیں بڑے فنکاروں کی کتنی عظیم سوچ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آرٹ نیور ڈائز, اس طرح کہتے ہیں آرٹسٹ نیور ڈائز. جو حقیقی فنکار ہوتا ہے, عظیم جو ہوتے ہیں کبھی مرتے نہیں ہیں. آج بھی ہم پڑھتے ہیں جیسے گلستان و بوستان, آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ کتابیں موجود ہیں. اب 1200 عیسوی میں یا 1300 عیسوی تو شیخ سعدی نے وہ کتابیں تحریر کی, اب آرٹسٹ تھے نا, تو وہ آج بھی زندہ ہے. بالکل. اس طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے امیتابھ بچن صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک گانا گایا تھا, یہ کہاں آ گئے ہم, ہے نا. تو آج بھی جب ہم سنتے ہیں ایک سحر ہے ان کی آواز میں. اب وہ گانا جب سنتے ہیں انسان کھو جاتا ہے. اور جب ہم کوئی بھی فلم دیکھتے تھے جب بور ہو جاتے تھے تو اس میں جو ہی ان کا گانا جاتا تھا ہے نا, تو سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے. بالکل. ایک نیا سحر اس میں بھر دیتا, سارا اٹینشن گراب کرتا تھا. بالکل. تو جیسے کوئی اگر یہ جو کتنا بھی مایوس کیوں نہ ہو تو ان کے سانگ آپ سنیں گے تو ایک دم سے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. انہیں ملکہ ترنم نہیں کہا جاتا. ایگزیکٹلی. اور ایسی شخصیت صدی میں ایک ہی پیدا ہوتی ہے. ہاں, ہزاروں سال نرگس اپنی بیماری پہ ہے نا. تو ایسی عظیم شخصیات چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, اس پہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں, تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ایسی عظیم شخصیات پر امپلیمنٹ ایسے اشعار ہو جاتے ہیں, ایسے شعر ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے پروگرام کی طرف. جیسے آپ نے یہ جو فرمایا, میں میرا نام تو ہے ریاض احمد بٹ, تو اس کے بعد کالمی نام میرا ہے ڈاکٹر ریاض توحیدی. توحیدی میں نے گریجویشن کے دوران جب میں نے لکھنا شروع کیا تھوڑا بہت اخبارات کے لیے, تو پھر پین نیم میں نے رکھا توحیدی, کیونکہ توحید تو وہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہر ایک کو توحید پرست ہی ہونا چاہے, اسے انسان خوددار بنتا ہے, صرف اپنے رب کا یہ جو ہے نا فالوور رہتا ہے نا. تو رہنے والا ہوں میں کھرمن, میرے گاؤں کا نام. اچھا.
खरमन, वड़ीपोरा, राजवार, अच्छा ये हनवाड़ा में आता है। अच्छा ये हनवाड़ा में, हाँ तहसील है हनवाड़ा, जिला कुपवाड़ा, कुपवाड़ा जी। तो ये हो गया कलिया। तो कश्मीर तो हमें पता है कश्मीर में ही। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि आप अपने इस राजवार के बारे में कुछ बताएं। उस जब मैंने ये प्लस टू का इंटरव्यू दिया था, तो अब मैंने कहा कि अब मैं क्या बताऊं वहां पर। तो मैंने कहा बंगस वैली भी है, वो एक रास्ता वहां से जाता है तो मशहूर है सहरअब्दा मकाम। तो और भी है जहां से एक पंडितों की, एक पंडित बरादरी की, क्योंकि वहां रहते थे वलीपुरा में, तो वहां पर एक बदरकाली से कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। एक प्रोफेसर थे अल्ताफ नियाजी फारसी के, एक दिन वो नाइट को, एक रात को राजवा चले आए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि सुबह मुझे कॉलेज में, मैं पढ़ता था उस वक्त कॉलेज में, अच्छा। कहा तौहीदी, मैं राजवार गया था तो वहां पर क्या मैंने देखा, मुझे तो राजवार बेहद खूबसूरत नजर आया, तो बहुत पसंद आया। तो एक शेर मेरे जहन में आ गया, अच्छा। तो मैंने उन लोगों को भी बताया एंट्री के दौरान, तो यहाँ भी वो अर्ज करना चाहूंगा। जरूर आबी हयातुक जामजन जहरी हिलाला चौनस, आबी हयातुक जामजन जहरी हिलाला चौनस, राजवारो क्या हमने कोताब तिम तमलोन। अरे वाह क्या बात है। राजवारो क्या हमने कोताब तिम तमलोनस। तो उसके बाद मेरी तालीम का जो सिलसिला है, आमतौर पर जो लोग आज भी लोगों का जो कई लोग बेशतर लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में उतनी अच्छी तालीम नहीं दी जाती है जितनी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट स्कूलों में। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अच्छा। लेकिन इतनी शिबिया भी जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों की खराब नहीं है। अब देखिए मैंने फर्स्ट से लेकर टेंथ तक गवर्नमेंट हाई स्कूल वलीपुरा में तालीम पाई है, अवलता दसवीं। तो उसके बाद प्लस टू, अच्छा, अलेवेंथ और ट्वेल्थ जो है जी, इसी हायर सेकेंडरी में जहाँ पर मैं आज लेक्चर हूँ। अरे वाह क्या, वहाँ से किया है मैंने। एक अच्छी फीलिंग होती है ना ये, जिस बहुत अच्छी, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया ये वहाँ पर, तो मुझे वो अपना माजी याद आया कि कल तक मैं इन क्लास रूम में पढ़ता था यहाँ पर, और सोचता था ये लोग कैसे यहाँ पर पहुंचे, ये लेक्चरर साहिबान। आज मैं खुद यकीनन इस खूबसूरत सफर को इसी तरह से हम जारी रखेंगे। और इन बिटवीन आपने ये भी कहा कि कॉलेज टाइम पे जो अभी अशार आपने पढ़े, आपने कहा कि मुझे किसी ने कहा तौहीदी, दैट मीन्स तौहीदी जो आपका कलमी नाम है, ये यूनिवर्सिटी के बाद नहीं, कॉलेज के बाद नहीं, पहले ही आपने शायद रखा है। जी जी, इस ताल्लुक से जरूर जानेंगे, मजीद मालूमात आपसे ही हम हासिल करेंगे। लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है, फिलहाल प्रोग्राम में लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान, अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले एक साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है, उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़ गए इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं, तो तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आईवीएफ का खसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मजन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़ वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। और आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ है वो एक अदीब है, एक नकाद है, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। इनसे सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अखबारात की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी सुर्खी आज की इसी खबर से है कि प्रेसिडेंट पीएम मॉन लता मंगेशकर डिमाइज टू डी स्टेट मॉन अनाउंसर द वॉइस दैट एंथ्रल बिलियंस फॉर साइलेंट एलसी उमर सजाद महबूबा आजाद एक्सप्रेस ग्रीफ पेज ट्रिब्यूट। जी, एक मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और लता जी के हवाले से ही ये खबर इसमें शाया हुई है। आवाज की मलिका इंतकाल कर गई, दो रोजा शोक का ऐलान, आखिरी रसूम में वजीर आजम की शिरकत। जी इकरा, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसकी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में बेहतर तबी खदमात के लिए चावला कमेटी की जानिब से एक और तजवीज़ हुकूमत को पेश, जम्मू और श्रीनगर में दो तबी यूनिवर्सिटियों का कयाम अमल में लाने की तजवीज़। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और बड़ी खुशायंद खबर इसमें शाया हुई है। ये जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस हम देखा करते थे उसी ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है। कोविड 19 वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, कोचिंग सेंटर्स अलाउड टू ऑपरेट विद 50% कैपेसिटी, नाइट कर्फ्यू टू रिमेन इन फोर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जी मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा है जिसकी खबर यह है कि खाली असामियां रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भेजी जाएगी, दर्जे चारम के मजीद 3,000 असामियों की भर्ती अमल में जल्द से मुकम्मल की जा रही है। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस उर्दू रोजनामे से ये खबर आप तक पहुंचाते चले। 13 फरवरी को गुपकार अलायंस का इजलास जम्मू में तलब किया गया है। जी मारूफा, इकरा इस वक्त हो चला है कि हमारे नाजरीन जो हमें लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग से देख रहे हैं कि उनके नाम हम ले, क्योंकि वो अक्सर फिर नाराज हो जाते हैं। मैं जल्दी से उनका नाम लूंगी। ये है अक्सा जी, अब्दुल रशीद डारसा, हशमत वानी साहब, जरगर मुदस्सिर, रिफत चान, मोहम्मद समीर, जैद जाहिर, कलीम कैशी, राथिर साहिब, माविन परवेज, खांडे निसार, अहमद सुहैब, अब्दुल हमीद वानी, बशीरदार मोहम्मद अयूब, फैसल शफी, बट मंजूर, वारिस जहदी और सलीम डार साहब, सईद नदीम भी हमारे साथ है और इन्होंने प्रोग्राम को बहुत सराहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम जान रहे हैं आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो अदीब नकाद है वो डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब है, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका अदब की तरफ कैसे रुझान। जी असल में हम अभी बात कर रहे थे तो उसके बाद मेरा हायर सेकेंडरी, हाँ हायर सेकेंडरी के बाद ग्रेजुएशन जो मेरी हुई है डिग्री कॉलेज हनवारा से। हमारा अपना कॉलेज है हनवारा में, तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं या तो कम्पिटिटिव एग्जाम आर्ट्स में ही आपने ग्रेजुएशन की? हाँ आर्ट्स में। मैंने 11th में अरबी, उर्दू और ये जो वहाँ पर एजुकेशन इंग्लिश चार सब्जेक्ट थे मेरे, उर्दू तो अरबी जो था तो फेवरेट मेरे सब्जेक्ट थे। इब्तदा से मैंने ग्रेजुएशन जैसे मैट्रिक के बाद ऐसा हुआ कि हम 75 स्टूडेंट थे जो मैं मैट्रिक किया था गवर्नमेंट जो हाई स्कूल बड़ीपोरा से, उनमें से आप ऐसा समझे कि 5 लड़कों ने हम में से आर्ट्स लिया, तो बाकी सभी ने या तो साइंस सब्जेक्ट या कॉमर्स, और मुझसे कहते रहते थे कि आपने क्यों आर्ट्स लिया है, इसमें क्या बनेगा आगे। तो अल्लाह का फजल यह है कि मैं इस वक्त जिस पोस्ट पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, जो फील्ड मैंने बनाया है, तो बस आर्ट्स की वजह से ही है ना, तो उनमें से मेरे ख्याल से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका बाद में। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो है इंसान जो भी सब्जेक्ट ओप्ट करे, जो भी पसंदीदा हो, मसला ये है कि वो उसमें आगे बढ़े, लगन और मेहनत है ना। तो साइंस हो या आर्ट्स हो, तो देखिए आज जो गलत तस्वीर है कि आर्ट्स में कुछ नहीं मिलता है, ये गलत है बिल्कुल सरासर, लेकिन सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए, इंसान हार्ड वर्क होना चाहिए और जिसमें इंसान का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो उसी फील्ड का, इंक्लिनेशन हो, जहनी मैलान, इंसान आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से ग्रेजुएशन के बाद अब मैंने सोचा कि पहले तो मैं, लेकिन हालात यहाँ पर ऐसे नहीं थे क्योंकि श्रीनगर भी हम नहीं जा सकते थे उस दौरान, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, तो मैंने सोचा नहीं थी। फिर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो है एग्जाम दे दिया अरबी और उर्दू में, उर्दू में हाँ दोनों में मेरा एडमिशन हो गया। अब देखिए जिंदगी के खेल क्या होते हैं, इंसान को सीखना भी पड़ता है। मैं अरबी में चला गया,
تین چار مہینے میں عربی پڑھتا رہا ایم اے ان عربی. لیکن میں سوچ وہاں پر مجھے خیال آیا کہ میرا جو مقصد ہے وہ ہے پی ایچ ڈی کرنے کا. تو اس کے بعد میرا جو تھا وہ پلان کہ میں ضرور مجھے تو لیکچرر بننا ہے. اچھا تو میں نے سوچا عربی تو میں جو اس میں پی جی کر سکتا ہوں ایسے ویسے کر کے, کیونکہ سوال آتے یاد کریں گے وہ ہے یہ محنت, لیکن میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اس میں کیونکہ یہ تو اپنی لینگویج نہیں ہے تو ہے نا. اچھا تو پھر میں نے چینج کر دیا, اب میں اردو میں چلا گیا. وہاں وہ آپ نے کمپلیٹ کیا تھا وہ پی جی کے ابھی؟ نہیں نہیں, میں نے ادھورا چھوڑا. اچھا وہ آپ نے ادھورا چھوڑا اردو میں, کیونکہ میں نے سوچا میں تو پی جی کروں گا اس میں لیکن آگے نہیں بڑھ سکوں گا, کیونکہ جب انسان پی جی کرے گا آگے بڑھے گا پی ایچ ڈی کے لیے, تو بعد میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ تو اپنے فیلڈ میں ایک ماڈل ہونا چاہیے ہے نا. تو میں نے سوچا نہیں یہ تو کاغذی ڈگریاں ہوں گی, تو اس لیے میں اردو میں چلا گیا. وہاں پر بھی میرا ایڈمیشن تو ہو گیا تھا, تو پھر دو سال تک ایم اے ہو گیا. ایم اے کے بعد پھر ریسرچ کا جو دور شروع ہوا تو میں نے اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی اپلائی کیا اور اقبالیات اقبال انسٹیٹیوٹ میں بھی. وہاں پر الگ الگ کرنا پڑتا ہے, ایک ہی جگہ نہیں. تو دونوں جگہ اللہ کے فضل سے میرا ایڈمیشن ہو گیا ایم فل کے لیے. تو میں اقبالیات میں چلا گیا کیونکہ اس میں میرا جو ہے نا انٹرسٹ بھی تھا اقبال کے حوالے سے. تو وہاں پر سناپسز وغیرہ ہو گئی, ایڈمیشن ہو گئے, تو اب اردو سے بھی لسٹ نکلی. تو وہاں سے انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کا یہاں بھی یہ جو ہے ریسرچ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے, کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں میں تو اب وہاں نہیں آؤں گا, میں اقبالیات میں ہی ریسرچ کروں گا. پھر اقبالیات میں میں نے ریسرچ کی ایم فل, اس کے بعد پی ایچ ڈی. اچھا تو ایم فل میں میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا پروفیسر حامدی کشمیری, کشمیری صاحب کی اقبال شناسی. اوکے ہے نا, آپ گریٹ پرسنلٹی ہیں اپنے کشمیر کی, کیا ہے اردو ادب کی ایک پہچان, ایک حوالہ بن چکے ہیں ہے نا. یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم فخر کے ساتھ آج کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں اردو کے جو بہت بڑے نقاد اقتصادی تنقید, ان کا نظریہ ہے جو خود انہوں نے دیا ہے, یا شاعر ہیں وہ, تو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے بعد پی ایچ ڈی میرا شروع ہو گیا ایم فل کے بعد. تو اس میں میں نے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بحثیت اقبال شناس, یہ بہت بڑے فلاسفر تھے اور علامہ اقبال کے جونیئر ہم اثر تھے. اچھا ہے نا, تو ان سے ملتے رہتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فکر اقبال, وہ آلٹ ریفرنس بک مانی جاتی ہے اقبالیات میں. تو میں نے انہیں پر پی ایچ ڈی کیا. تو پھر اس کے بعد میرا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا تعلق جو تھا ان کے آبا و اجداد کے کشمیر سے ہی تھا. بالکل. تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ان کے آبا و اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے ہی تھا. اچھا. ہاں تو بعد میں وہ لاہور چلے گئے وہاں پر, تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اس پر. تو میں نے انہیں پر ریسرچ کیا, اس پر میری کتاب بھی آئی ہے, یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پہلی کتاب میری یہ ہے جہان اقبال. ہاں جہان اقبال, جہان اقبال. ہم چاہیں گے کیمرہ اس پہ فوکس کریں, ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. جی تو جہان اقبال میری پہلی کتاب ہے اقبال, کیونکہ اقبالیات میں ہی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. تحقیقی اور تنقیدی نوعیت کی یہ کتاب ہے. تو اس کے بعد میں نے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بحثیت اقبال شناس, تو یہ کتاب جو ہے پہلے یہ کشمیر سے شائع ہوئی. اچھا یہ ہاں میزان اقبال شناس. ہاں جی تو اس کے بعد یہ جو پاکستان سے بھی یہ جو اس کا ایک ایڈیشن آیا ہے, جی تو انہوں نے وہاں ڈیمانڈ کی کہ یہ کتاب جو ہے یہاں بھی ہم پبلش کریں گے. پبلشر نے وہاں سے یہ آفر کی, تو پھر انہوں نے منگوائی. تو اس کے جو دوسرا ایڈیشن اس کتاب کا یہ نکلا. جی یہ جو ابھی بات کر رہے تھے آپ, یہ شاید اس کتاب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. ہاں جی تو یہ کتاب جو وہاں پر شائع ہوئی. اب پھر اس کے بعد میں نے یہ جو کیا ہے کہ اپلائی کیا یہاں پر لیکچر کے لیے, پی ایس سی کے لیے. اللہ کا کرم یہ ہے, آپ ایسا سمجھیں میری زندگی کا پہلا فارم تھا وہ جو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا ہے نا. تو وہاں پر سلیکشن ہو گئی, ایگزام بھی ہو گئی, انٹرویو وغیرہ سب کچھ. تو 2010 میں یونیورسٹی سے مجھے ایک کال آئی کہ آپ وہاں پر کنوکیشن میں آنا ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہا کہ آپ کو بیسٹ اسکور ایوارڈ ملا ہے اقبالیات میں, گولڈ میڈل آپ کو دیا جائے گا, نوازا جائے گا.
तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा भाई आप क्या कह रहे हैं, गोल्ड मेडल तो मिलता है लेकिन जो टॉप कहते हैं कि इसमें पीजी में, तो वहां पर मैंने टॉप नहीं किया था। कहा कि इसी साल यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि बेस्ट स्कॉलर्स अवार्ड भी देंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी थी तो उन्होंने जब सब कुछ देखा तो आपकी फाइल अप्रूव हो गई है और दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे लोगों की बेस्ट स्कॉलर्स अवार्ड से आपको नवाजा। हाँ, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये तो है। फिर उसके बाद उसी साल दे दिया गया, उसके बाद बंद हो गया। ये भी एक है जिंदगी के रंग कैसे होते हैं, इंसान के जहन में जो कभी उसके तस्वर में भी नहीं होता है कि ऐसा मिलेगा मुझे जिंदगी में, वो भी मिलता है ना। तो इसके बाद ये सिलसिला आगे चलना। अब आपने लिखना वगैरह जो ग्रेजुएशन के दौरान, असल में क्योंकि मेरा पहला रुझान जो था, क्योंकि घर में तो हमें अदबी माहौल नहीं था और हमारे इलाके में भी उतना अच्छा अदबी माहौल है ना, क्योंकि ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई वहां पर बहुत बड़े अजीब उद्भाव और शोरा और हमारे घर में बड़े जो जब थे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट में तो थे, तो वहाँ पर वो किताबें रसायल वगैरह लाते थे। अच्छा। खुसूसन ये मजहबी रसायल। अच्छा। और किताबें, और दिल्ली भी जब हम वो जाते थे, हम फ्रूट का बिजनेस भी करते थे, तो वहाँ से भी वो मेरे लिए किताबें वगैरह लाते थे। तो इनसे मेरा रुझान जो पढ़ने की तरह बढ़ गया। पहला मेरा जो था वो लिटरेचर, मजहबी लिटरेचर की तरह। अच्छा। खूब मैं पढ़ता रहा, लेकिन बाद में जब इस फील्ड में आ गया तो ये एक तरह से माइंड तो बन गया था मुताला करेंगे, क्योंकि हम में ज्यादातर लोगों की ये जो है ना प्रॉब्लम है, मुताला नहीं करते हैं। और जब इंसान कुछ खाएगा नहीं तो कैसे उसका जो जिस्म बनेगा, सेहत बनेगी? इस तरह इंसान जब पढ़ेगा नहीं तो उसका माइंड, उसका नॉलेज कैसे बढ़ेगा? यकीनन तौहीदी कलमी नाव यूजन तुहि वनो कि यह सा उसने गोडनेथी डिसाइड करो कि मैं तौहीदी था, कम साथ उसने डिसाइड आमुत करने कार उसे जहनस मज फ्रेम गुम। असल में मैं वन तो वही जे इस पर मैट्रिक में कोरोना मैट्रिक पर उस मजहबी इलम ज्यादा पा रहे तुम असर पे अत मज। हाँ, पा थो मैं तुम्हें हिसाब तवहीदी नाव, तवहीदी थो मैं नाव तो यही कलमी नाव, मत इसको था शो क्या है गेसा। बट पत अखबार मज लोग अखबार खा बा चीज या उस बस तकरीर ते वगैरह करें तमाम चीज, तो पत गोस मशहूर भी इतने पे शुरुआत करवा तो शायरी पे शुर शेर अख पोरव पलाक के हवाल यम सा तुम खूबसूरत शेर अमी कथ अंदाज लगान कि शेर फहमी है तह मज शेर हूँ माशाला बड़ खूबसूरत लिखित तो शेर सी करवा शुरुआत ना शेर सी कर नसत गरी सर। अच्छा ठीक। नसत गरी से मैंने शुरू किया है। पहला जो उदास नौजवान, पहला मेरा जो आर्टिकल आया है कॉलेज में के दौरान, वो तो आया था श्रीनगर टाइम्स में। अच्छा। तो उस आज का उदास नौजवान, तो उसमें मैंने दिखाया आज क्यों, आज का नौजवान क्यों उदास है, तो अब इसको इसकी उदासी कैसे दूर हो सकती है। अच्छा। है ना, तो उस जमाने में मैंने ये लिखा था। उसके बाद मैंने एक अफसाना भी लिखा था कॉलेज के दौरान। अब देखिए उस वक्त में जो है ना सब ये समझता था जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, कोई भी कहानी हो कुछ भी हो या पढ़ता था सब कुछ यही अफसाना है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अलग फनकारी है ना। अच्छा। तो उस वक्त मैंने लिखा था वो अफसाना, लेकिन आप ऐसा समय के बाद में मैंने वो पब्लिश भी नहीं किया, क्योंकि बाद में मुझे जब मैं एमए करने के दौरान यूनिवर्सिटी में पता चला कि अफसाना क्या है, तनकीद क्या है, असल में फनकारी क्या है, तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो मैंने ऐसे ही आवारा ख्याल को कहानी का रूप दिया है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज भी हम अखबार में पढ़ते हैं या फेसबुक पर लोग चढ़ाते रहते हैं, देखिए ये अफसाना है मेरा, ये अफसाना है, ये मेरी शायरी है। नहीं भाई, ये देखो ना ये क्या फन के तकाजों के मुताबिक है, अगर है फिर देखो ये फिर है ये अफसाना, नहीं तो वाह वाह करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। जो जानने वाले कहते हैं ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी दिखा तू, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी दिखा तो अच्छा। देखेंगे मगर अहले नजर सोच समझ कर। अरे वाह क्या बात है ना जी, अहले नजर के सामने जब कोई चीज आए पारख के सामने, वो जब कहेगा हाँ जी ये है इस मॉडल में आती है फिट होती है, फिर तो आप कामयाब हैं। अगर आप ये जो है कपड़े की दुकान पर जाएंगे वहां पर सोने के बारे में पूछेंगे वो क्या कहेगा, वो तो माहिर है कपड़े के। सही इन्होंने कहा अजिक नौजवान पूज सन यम सा बसान कि सोन रोजान सोन इंट्रस्ट सह लेखन कम सा तम पत लागान तम कह न कह
چاہے تم نثرس مز لکھنا یا پویٹری لکھنا تم فیس بک سہار نوان تر پہ تم ترا مگر تمہن پتا کہ اتس کتس غلطی وقت ست ساری چیز گریسپ گا مگر تمہن پہ ضروری کنس مہرس نش زن ادبک زانکار آمن نش گھن تمہن سہ ادب ہاؤ کہ اس کتس کمزور اس کتس پن پان ٹھیک کرن جی معروف جی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بولا کہ آپ افسانے لکھتے تھے ٹھیک ہے یا باقی آپ نے مقالے لکھے ہیں جاننا چاہوں گے کہ تنقید کی دنیا میں آپ کیسے آئے نقاد آپ کیسے بنے دیکھیں اس میں ایم اے میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے الگ الگ وہاں پر موضوعات ہوتے ہیں تو اس میں ایک سبجیکٹ وہاں پر ہے تنقید کا بھی ہاں کرٹیسزم ہے نا جی جی تو پہلے پہل ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تنقید کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے بالکل پتہ اس میں یہ بنیا تنقید نگار یہ کرا تنقید پریت کن تو یہ نفر یہ کر تنقید مگر اصل مسئلہ یہ ہے جب میں نے دیکھا ادب میں ادبی تنقید اور سماجی تنقید اس میں بہت فرق ہے سماجی سطح پر وہی چیز ہوتی ہے کوئی آ گیا کوئی ادھر ادھر کی باتیں یا طنز کرنے لگا ہے نا لیکن ادبی تنقید کا جہاں تک تعلق ہے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور ریسرچ کے دوران بھی جیسے انگلش کرٹیسزم انگریزی اور عربی کا تو میں نے سوچا یہ ایک دبستان ہے نا اس کے اپنے تقاضے ہیں اپنا سٹائل ہے اپنا اسلوب ہے اور تنقید کی وجہ سے ہی کوئی بھی انسان کسی بھی فن پارے کو صحیح ڈھنگ سے پرکھ سکتا ہے اس کی خوبیوں اور اس میں کیا کیا ہے سٹائل اپنایا گیا اسلوب اپنایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا جو ہے قاری کو دے رہا ہے وہ سب تب انسان اس پر بات کرے گا جب اس کے پاس تنقیدی شعور ہوگا لٹریری شعور ہوگا اور اگر کہیں پر ایسا معلوم یہ نظر آئے کہ اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کرنا عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں تنقید کا نام صرف یہ ہے خوبی اور خامی کو بیان کرنا ہے نا یا پرکھنا تو یہ اس میں ایک اہم حصہ ہے اس کا لیکن اتنا ہی تنقید نہیں ہے تنقید جیسے آپ کوئی شعر مجھے بتائیں گے کوئی افسانہ میرے سامنے پیش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس پر ایک تنقیدی مضمون لکھیں گے اگر بس اتنا ہی ہے بھائی اس میں یہ خوبی ہے اور یہ خامی ہے تو دو جملے ہو گئے لیکن میں نے پرکھا نہیں پھر اس کو اس کے پرکھنے کا نام اصل میں اس کا اسلوب کیا ہے کس فارم میں ہے موضوع کیا ہے مقصد کیا ہے نا تو اس کے جو شیڈز ہیں رائٹنگ شیڈز پلاٹ کیسا ہے کردار نگاری کیسی ہے نا تھیم کیا ہے سب کچھ مجھے وہاں پر سامنے لانا ہے تو چار پانچ صفحات کا ایک مضمون بنے گا اسے کہتے ہیں تنقید جی جی ہاں اس طرح سے وہ عام تاکہ تنقید ادبی تنقید میں بہت فرق ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک کتاب رکھی ہے کالے پیڑوں کا جنگل یہ آپ افسانوں کی کتاب ہے کیا ہاں جی اصل میں کالے پیڑوں کا جنگل میری پہلا افسانی مجموعہ جو ہے 2011 میں آیا تھا اس کے بعد ہے کالے دیووں کا سایہ اچھا کالے دیو کا سایہ 2014 میں شائع ہوا جی تو اس کے بعد یہ پاپولر بہت ہوئی یہ کتاب دونوں کتابیں پھر پبلشر جو ہے میزان پبلشر تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کتابوں کو ہم ایک ساتھ شائع کریں گے کیونکہ بہت چلتی ہیں یہ کتابیں تو یہ کتاب جو ہے 2-in-1 میں ہے اس طرح دوسرا ایڈیشن اس کا ہے یہ میزان نے پبلش کیے ہیں 2020 میں تو یہاں سے بھی اب پاکستان سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اس کو ہم وہاں بھی شائع کریں گے یہ کتاب افسانے جو ہیں بہت مشہور ہوئے اللہ کے کرم سے کتاب بہت چلی بہت اچھے طریقے سے ایک چھوٹی سی درخواست وہ یہ کہ آپ ہی کے جو لکھے ہوئے افسانے ہیں اگر ممکن ہو سکے ہمارے ناظرین کو بھی شاید اشتیاق ہوگا ہمیں بھی برابر اشتیاق ہے کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا افسانہ پڑھے مختصر صحیح جی دیکھیں افسانہ لکھنے کا جو فن ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے صرف فنکاری دکھانا بالکل وہ بھی ہے افسانہ ہے نا کسی نے امیجنیٹو بنیاد پر تخیل کی بنیاد پر لیکن دوسرا جو ہوتا ہے پروڈکٹیو جسے ہم کہیں گے جیسے آپ یہاں کنسٹرکٹیو جیسے تعمیری ادب جسے ہم کہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قاری پڑھتا ہے انسان پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں
उसकी सोच बदल जाती है, तामीर की तरफ आ जाती है। तो एक मुख्तसर तरीन, चार मिनट है हमारे पास जी। हाँ, वही मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। मुख्तसर तरीन एक अफसाना जो है, गरीब का खजाना। अच्छा, तो ये जब शाया हुआ तो कई फोन कॉल आ गए, डॉक्टर साहब हमने इस पर जो है अमल किया है। मुबारक हो रजिया बहन, बुजुर्ग मास्टर जी मार्कस कार्ड देते हुए बड़ी मसरत से बोल पड़े, आपकी बच्ची की काबिलियत पर सारे स्कूल को नाज है। यह सुनते ही रजिया बेगम का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने भी मुस्कुराते हुए मास्टर जी का शुक्रिया अदा किया। अब बच्ची का एडमिशन किस स्कूल में करवाना है, मास्टर जी पूछ बैठे, क्योंकि मैट्रिक के बाद के दो साल बच्चे के कैरियर के लिए बड़े अहम होते हैं। अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, रजिया बेगम बोली। क्यों, मास्टर जी थोड़ा सा हैरान होकर पूछ बैठे। शबनम का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में होना चाहिए, आखिर तमाम सूबे में अव्वल नंबर पर आई है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन इतना खर्चा कहाँ से आएगा, रजिया बेगम मायूस को लहजे में बोल पड़ी। यहाँ तक तो मैंने मेहनत मजदूरी करके खर्चा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इन पैसों से घर का चूल्हा भी ठीक तरह से गर्म नहीं रहता है, तो बच्ची की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। अगर उनके वालिद जिंदा होते तो और बात थी। रजिया बेगम के चले जाने के बाद मास्टर जी स्कूल के दूसरे कामों में लग गए, लेकिन रजिया बेगम की दिल तोड़ने वाली बात बार बार उसके जहन में आती रही। स्कूल से छुट्टी के बाद वो घर की जानिब निकल पड़े। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो मस्जिद शरीफ के अहाते में चंद लोगों के साथ अलग सलग करने के बाद इस अहम समाजी मसले के बारे में मशवरा करने लगे। मास्टर जी ने कुरान हकीम की चंद आयतें तिलावत करते हुए उन्हें समझाया कि हमें बस्ती के मफलूकल हाल लोगों की जरूरियात के लिए अमली तौर पर कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चंद लोगों ने मास्टर जी की बातें बड़े गौर से सुनी और बाहमी मशवरे से गाँव में बैतुल माल की बुनियाद पड़ गई। रफ्ता रफ्ता दूसरे लोग भी इस समाज सुधार काम में शामिल हो गए। बैतुल माल की मदद से कई सफेद पोश घरानों में खुशहाली आ गई, कई गरीब बच्चों की शादियां भी खुश असलूबी से अंजाम पाई, गरीब घरानों के बच्चों के तालीमी अखराजात भी पूरे होने लगे। बैतुल माल की अच्छी कारकर्दगी देख कर बेशर लोग खुले दिल से माली मानत करने लगे। चंद साल बाद जब रजिया बेगम की बेटी ने MBBS के एंट्रेंस में टॉप किया तो सारे गांव में खुशी की लहर सी दौड़ गई। रजिया बेगम के घर में जश्न का माहौल था। मास्टर जी भी जब वहां मुबारकबादी के लिए पहुंच गए तो रजिया बेगम शुक्रिया अदा करते हुए जज्बाती अंदाज से बोल पड़ी, बैतुल माल गरीब का खजाना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कई जो लोगों ने फिर बैतुल माल ये अफसाना पढ़कर खोले अपने। अरे क्या बात है, ये होता है एक किसी, चाहे एक राइटर का यही दरअसल एक मकसद होना चाहिए कि वो जो भी लिखता है उससे समाज पे एक छाप तो पड़नी चाहिए, क्योंकि वो समाज का ही हिस्सा है। इस ऐसा हसास होता है समाज इर्द गिर्द क्या होता है, वो वही लिखता है, उसके कलम से वही निकलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे सवाल आप जो जहन में अभी भी महफूज है, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में जरूर फिर से दावत देंगे, तब हमारी दावत जरूर कबूल कीजिएगा, और वो जो सवालात रह गए इंशाल्लाह तब उस ताल्लुक से जरूर आपसे मालूम हासिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी जो कल मुंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई, यकीनन हम सबको उस सबका उस इस उनके इंतकाल पे दुख है, अफसोस है। अफसोस का इजहार करते हुए हम यही कहेंगे, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे। फिलहाल आज दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का पसंदीदा मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।